वेलकम टू अंजना धानकीस किचन। हाय मॉम। हाय। आज क्या बनाने वाले हो आप? आज हम बनाने वाले हैं खजूर की पूरन पूरी। ओहो, ये अलग है एकदम। हाँ बिल्कुल, एकदम अलग सी बनेगी, बिल्कुल शुगर फ्री बनेगी और बच्चे और बड़े सब खा के खुश हो जाएंगे। वाओ, उसके लिए क्या क्या चाहिए? ये हमने यहाँ पे सबसे पहले तो खजूर लिया है। खजूर को मैंने इस तरह से इसकी सीड जो भी थे वो निकाल दिए है और रेडी कर लिया है। अभी हम इसका स्टफिंग कैसे बनता है वो बताएंगे। ओके। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, इसमें एकदम थोड़ा सा हम तिल डालेंगे, दो छोटी चम्मच जितना जी, और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ओके। हल्का सा वो फूट जाए ना उतना। ओके। तिल, खजूर, घी, वो सब। हाँ। बढ़िया रेसिपी होने वाली है ये। हाँ जी। तिल में कैल्शियम भी अच्छा खासा होता है और खजूर को उसके गुण तो आप जानते ही हो। जी जी जी। और आजकल के बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी ऐसी हेल्दी चीजें खाना नहीं चाहते। यस। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी पूरन पूरी बना के सब कुछ एक ही में मिल जाए ऐसा बनाया। तो तिल कैल्शियम रिच होता है, थोड़ा सा फूट जाएगा तो एकदम एक अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। हाँ, इसमें क्रंच आ जाएगा, तो इसलिए तिल को हम रोस्ट करेंगे और फिर खजूर का पूरन बनाएंगे। ओके। तिल रेडी हो चुके हैं, अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी। ओके। 200 ग्राम जितना खजूर लेंगे। ओके। या फिर आपको जितनी पूरन पूरी बनानी है उस हिसाब से, और इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इतना सेक लेंगे। थोड़ी देर सेकने के बाद एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगा। ओके। तो देखिए एकदम लचकदार। यस, एकदम खट्टा हो चुका है। हाँ, सब मिक्स हो चुका है। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। ओके। हाँ मॉम, तो अभी क्या करना है? बस अभी ये पूरन को हमने यहाँ पे ठंडा करने के लिए रख दिया है। ओके। अभी हम बनाएंगे पूरी के लिए आटा। ओके। मैंने यहाँ पे ये वाला एक कप आटा ले लिया है। ओके। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पूरी को सॉफ्ट करने के लिए, दो छोटी चम्मच जितना। ओके। और पानी डाल के हम जो रोटी का आटा बनाते हैं ना, वैसा ही एक आटा बना लेंगे। ओके। तो इस तरह से हमने आटा रेडी कर लिया है। अभी हम ये स्टफिंग है उसको रेडी कर लेते हैं। ओके। रोस्ट किया हुआ तिल है वो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। ओके। बहुत ही टेस्टी और क्रंची लगता है। एकदम थोड़ा सा इलायची का पाउडर है वो इसमें डाल देंगे और घी वाला हाथ करके। ओके। इसे अच्छी तरह से हम हल्का सा घी वाला हाथ करके इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चिपके नहीं। हाँ हाँ सही। तो देखिए देखिए, वाओ, ये तो ऐसे ही खाने का दिल कर रहा है ना, ऐसे भी खा सकते हैं आप। तो हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं, जितनी पूरी आपको बनानी है उतना आटे का बॉल भी बना लिया है और खजूर का भी बॉल बना लिया है। अभी हम इसकी बेलेंगे पूरी। यहाँ पे मैंने चकला बेलन ले लिया है। हम लोग इसको पाटला बेलन बोलते हैं। Okay. कई लोग इसको चकला बेलन बोलते हैं। Yes. आटे का इस तरह से लोया बना लिया है। सूखे आटे में इसे हम डस्ट करके छोटी सी पूरी बेलेंगे। इसके बीच में हम ये रोल रख देंगे और इसकी एक पोटली की तरह बना लेंगे, इस तरह से चारों ओर से कचौरी की तरह। वाओ। और फिर जो ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेंगे और इसे इस तरह से बिठा देंगे। ओके। और एकदम हमें छोटी छोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, तो इस तरह से आटा डस्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। एकदम हल्के हाथ से। एकदम हल्के हाथ से मस्त पूरी बेल लेना है। आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं,
पर छोटी छोटी होगी तो सब लोग अच्छी तरह से खा लेंगे और आधा अधूरा छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। यस, क्योंकि तो, ये हैवी भी रहती है तो हाँ, हर कोई ऐसी बड़ी बड़ी नहीं खा सकता। तो इस तरह से हम सारी पूरी को बेल लेते हैं। दूसरी पूरी भी इस तरह से बेलेंगे। खजूर की पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है और जो लोग को खजूर पसंद नहीं है वो भी खुशी खुशी इसे खाएंगे। yes. एक पूरी हम इस तरह से बेलेंगे, थोड़ा सा इसमें तिल डालेंगे, वो भी एकदम दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये पूरी जैसे हमने आगे की पूरी जो बनाई है ये वाली ऐसे बनाना है और नीचे थोड़ा सा हम इसके नीचे एकदम थोड़ा सा तिल छिड़केंगे और इस तरह से और फिर इसे बेल लेंगे। वाव, तो ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी एक हल्का सा क्रंच आएगा। तो सारी पूरी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक तवे को गरम कर लिया है और इसके ऊपर हम ये पूरी को डाल देंगे और इसके इसे हल्के हल्के आंच पे सेक लेंगे। पूरी को पलट देंगे, देखिए मस्त अच्छी सी डिज़ाइन आ चुकी है। दूसरी साइड भी इसी तरह हम सेक लेंगे। ज़्यादातर पूरन पोली के ऊपर बाद में घी डाला जाता है, आप चाहे तो इसके ऊपर भी इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, वो भी एकदम अच्छी लगती है और ऊपर से घी डाले सेकने के बाद तो भी अच्छा लगता है और एकदम टेस्टी लगती है। इसे हम पलट देंगे। दूसरी साइड भी घी डाल देंगे। जितना घी खा सकते हैं इतना आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि पूरन पोली ऑलवेज घी वाली ही अच्छी लगती है। हाँ, कोरी कोरी ऐसे सूखी सूखी अच्छी हाँ, नहीं लगती। देखो हल्की सी फूलने भी लगी है ना। कई लोग फ्राई भी करते हैं, फिर जैसे आपको पसंद आए वैसे आप बना सकते हैं। तो ये पूरन पोली इस तरह से रेडी हो चुकी है। सारी पूरन पोली हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए रेडी है खजूर की पूरन पोली। यस, एकदम हेल्दी और इसे हमने देसी घी के साथ सर्व किया है। यस, इसके ऊपर भी थोड़ा जैसे ही तवे से उतरी थी घी लगा दिया है। हाँ, और एक्स्ट्रा घी एकदम इधर घी के साथ पूरन पोली खाओ भाई, क्या मजा आता है। यस, तो जल्दी से बनाइए ऐसा एकदम हेल्दी पूरन पोली, बच्चे और बड़े सबको पसंद आने वाली पूरन पोली। यस, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।